आपको बालाकोट एयर स्ट्राइक तो याद होगी, जिसमें MiG-21 का इस्तेमाल ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने किया था। वो उस समय विंग कमांडर के पद पर थे। MiG-21 अब रिटायर होने जा रहा है। खबर है कि सितंबर के महीने में अंत तक यानी कि 30 सितंबर तक MiG-21 के एक स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया जाएगा और फिर 2025 तक धीमे धीमे भारत से मिग की सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि MiG-21 की खासियत क्या है और क्या कारण है कि MiG-21 को भारतीय वायुसेना से रिटायर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय वायुसेना अपने MiG-21 फाइटर्स के 4 स्क्वाड्रनों में से एक को 30 सितंबर 2022 के दिन रिटायर करने जा रही है। श्रीनगर में तैनात 51 नंबर की इस स्क्वाड्रन को स्वॉर्ड आर्म्स के रूप में भी जाना जाता है। वहीं बाकी के MiG-21 को फेज वाइज तरीके से 2025 तक रिटायर किया जाएगा। यहां आपको बता दें कि साल 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में भी इस MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। मिग वेरिएंट का पहला फ्लीट 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और भारत ने बाद के दशकों में 700 से ज्यादा मिग वेरिएंट खरीदे थे, लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो पिछले 6 दशकों में 400 से ज्यादा MiG-21 दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। इन हादसों में 200 से ज्यादा पायलट अपनी जान दे चुके हैं और शहीद हो चुके हैं। यहां आपको बता दें कि MiG-21 रूस की ही देन है। यहां एक फैक्ट ये भी है कि इसे बनाने वाले देश रूस ने 1985 से इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है। कई और देशों में भी इसका इस्तेमाल बंद है, लेकिन भारत ये कहते हुए इसका इस्तेमाल करता आया था कि हम इसका अपग्रेड वर्जन MiG-21 बाइसन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब भारत भी इस लड़ाकू विमान को रिटायर करने जा रहा है। अब सवाल ये कि इस विमान की जगह कौन सा दूसरा विमान लेगा, तो आपको बता दें कि वायुसेना स्वदेशी लड़ाकू विमानों जैसे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में MiG-21 की जगह शामिल कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल फरवरी में 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ का सौदा भी किया था। IAF-114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया में भी है। एक लंबे समय तक सेवा देने के बाद MiG-21 के करीब 70 विमान 2025 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। साथ ही MiG-29 वेरिएंट्स को भी अगले 5 सालों में रिटायर करने की योजना बनाई जा रही है।